चित्रकूट जनपद में एक बड़ी घटना हुई जिसके बाद से सभी लोग परेशान हैं, हैरान हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चित्रकूट में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के दौरान जो विस्फोट हुआ उसके पीछे क्या कारण थे। सारी जानकारी आपको अब तक पता लग चुकी है, चार लोगों की मौत हुई है इसमें और जो ग्राउंड जीरो है उस पे हिंदी खबर की टीम है इस समय और FSL की टीम आई है लखनऊ से जो जांच कर रही है, बारीकियां जो हैं, जो बिंदु है उनको तलाशा जा रहा है और यहां पे आप देखेंगे जो क्राइम स्पॉट है उसे सीज किया गया है और जांच का जो बिंदु है वो अंदर इसी स्पॉट पे है सामने जहां पे गड्ढा हुआ। गड्ढा किन कारणों से हुआ, विस्फोट का कारण क्या था, क्योंकि सारी जगहों पे आप देखेंगे आतिशबाजी के वो सामान रखे थे जो यहां पे आपको दिख रहे हैं। एक बड़ा आतिशबाजी का कार्यक्रम था बुंदेलखंड गौरव महोत्सव जिसमें कि दूसरा दिन था, सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान इस आयोजन को अंजाम देना था भव्य रूप जिस तरह की अन्य जिलों में आपने देखा है और जो स्पॉट आप वहां पे देख रहे हैं वहां से जो और आतिशबाजी के तरीके थे उन्हें अपनाए जाने थे। लेकिन 3 बजे के लगभग एक ऐसी घटना होती है चित्रकूट के इंटर कॉलेज में जहां एक धमाका होता है जोरदार और आप देखेंगे पेड़ के पास पीछे पेड़ के मेरे वीडियो नॉलेज दिखा देंगे कि वहां पे गड्ढे दिख रहे होंगे आपको दीवाल में, यानी कि जो विस्फोट हुआ है वो विस्फोट इतना ज्यादा विकराल था कि गड्ढे हुए, बॉडी ऊपर चली गई और वो ऊपर का जो आप देख रहे होंगे कितने फिट ऊपर पूरी जो 2 मंजिला आपको ये इमारत दिख रही विद्यालय की इसके ऊपर से भी एक बॉडी को बरामद किया गया। अब गुत्थी यहां पे आकर उलझ गई है कि आखिर विस्फोट हुआ कैसे। अग्निशमन विभाग का कहना यह है कि सरकार या प्रशासन द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई और मामला विस्फोटक का भी था। जो बच्चे यहां से आए थे, जो बच्चे यहां पे शामिल थे, जिन बच्चों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, दर्दनाक हादसा हुआ है, वो उस बाउंड्री के पीछे से बताया जा रहा है जो रोड बनी हुई है जहां पे अमूमन मॉर्निंग वॉक के लिए बच्चे शाम को खेलने आते हैं और इसके पीछे से एंट्री हुई और साइकिल देखेंगे आप यहाँ पर पड़ी हुई है, जो साइकिल जद में आई, साइकिल के जो टायर है, रिम है, पूरी टेढ़ी हो चुकी है और साइकिलों की हालत बता रही है कि घटना कितनी ज्यादा दर्दनाक थी। और FSL की टीम शायद इन्हीं बिंदुओं पे जांच कर रही है, जो मेरे पीछे आप देखेंगे कि जो जांच का विषय है वो ये है कि आखिर विस्फोटक किस तरीके से फटा, क्योंकि जो जो कंपनी है, जो आयोजक है और जो इस कंपनी के मालिक है उन सभी लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं प्रथम दृष्टया। ADG जो है जोन उनके स्तर से भी जांच कमेटी गठित है और जिलाधिकारी चित्रकूट जो है उनकी तरफ से भी मजिस्ट्रेटियल जांच है। CM योगी का सख्त आदेश है कि इस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि ये कार्यक्रम जिला प्रशासन का था और एक ड्रीम प्रोजेक्ट था बुंदेलखंड गौरव महोत्सव और उतने ही सादगी के तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन जो खलल पड़ा है उस पे सूत्रों का ये भी कहना है कि ये भी जांच का विषय है टीमों द्वारा, टेक्निकल टीमों द्वारा, कि ये पता लगाया जा सके कि क्या ये आयोजन को रोकने का एक प्लान था, क्योंकि इस तरीके के सारे बिंदु आ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो स्थिति गंभीर है वो इस बिंदु को पता लगाने में है कि आखिर विस्फोट हुआ कैसे, क्या कारण थे कि विस्फोट हुआ और विस्फोट इतना ज्यादा भयानक था कि एक बॉडी को उसने इतनी दूर उड़ा करके फेंक दिया। इसके बाद और जो हादसे हुए वो सबको पता है। फिलहाल की स्थिति यह है कि चित्रकूट जनपद के जो प्रशासन है चित्रकूट जनपद का वो हाई अलर्ट मोड पर है, सारे चौराहों पर नाकाबंदी की गई है, जांच की जा रही है किस तरीके का जो सामाजिक उन्माद है वो ना फैले। फिलहाल अधिवक्ताओं ने कुछ सड़क जाम की थी जिसे हटाया गया, पोस्टमार्टम भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जो बॉडी थी इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वहां भी पोस्टमार्टम हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे कि क्राइम स्पॉट पे लगातार जो FSL की टीम है वो मौजूद है, वो जांच कर रही है और वहां पर जा रही है जहां पे बॉडी ऊपर से बरामद हुई थी। आपको मैं लगातार बता रहा हूं कि वहां पे जहां पे आप नल देख रहे हैं, नल के जस्ट पीछे ही एक बड़ा गड्ढा है और ये गड्ढा काफी सवाल खड़े करता है और इस गड्ढे की नापजोक की गई है, कितना ज्यादा गड्ढा है, कैसे ये एक्सप्लोशन यहाँ पे हुआ है वो किस तरीके का था, जो आतिशबाजी के जो डिब्बे दिख रहे हैं आपको जिनसे होना था, इनके अंदर क्या भरा था मटेरियल, उसकी भी जांच की जा रही है और ये भी जांच का बिंदु है कि आखिर कितनी क्षमता इस विस्फोट की थी और तमाम तरीके के बिंदु जोड़े जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल प्रशासन और जो शासन है उसने किसी भी आतंकी घटना से इंकार किया पूरी तरीके से और ये एक लापरवाही का जो मामला है प्रथम दृष्टया आ रहा है। तो सबसे बड़े सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर इतना बड़ा आयोजन था तो प्रशासन ने किस तरीके की व्यवस्थाएं की थी और अगर इतना बड़ा आयोजन था तो पर्यटन और संस्कृति विभाग की जो टीम थी वो किस तरीके से काम कर रही थी। सारे बिंदु हैं, राजनीति चरम पर है, अपने अपने राजनीति की रोटियां जो सियासतदार है वो सेक रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बिंदु है कि क्या
किया। चित्रकूट इंटर कॉलेज लगातार ऐसे आयोजनों के लिए क्या परिपक्व है, क्या शिक्षा के केंद्र को ऐसे भी जो आयोजन है उसका केंद्र बनाया जाना चाहिए। और एक विषय ये भी उठ रहा है कि चित्रकूट जिला मुख्यालय के अंदर बने इस विद्यालय में क्या ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। परिवारजनों का भी यही आरोप है कि इतना बड़ा अगर आतिशबाजी का कार्यक्रम होना था तो चित्रकूट इंटर कॉलेज ही क्यों। ये सबसे बड़ा विषय है। सवाल छूटते चले जाएंगे, दिन बीतते चले जा रहे हैं, लेकिन गुत्थी जो सबसे बड़ी है वो ये है कि विस्फोट हुआ कैसे, और यही सबसे बड़ा कारण है परिवार का नाराज होने का। और इस समय जनपद में भी रोष का माहौल है। फिलहाल जिलाधिकारी, एसपी, एडीजी, डीआईजी सभी लगे हुए हैं। जांच टीम गठित कर दी गई है, जांच हो रही है, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जो माहौल है वो बेहद इस समय सेंसिटिव है। और ये लगातार प्रयास किया जा रहा है कि गुत्थी को उलझाया जाए। प्रशासन ने कार्रवाइयां भी की हैं, मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, सुसंगत धाराओं पे विस्फोटक अधिनियम भी लगाया गया है। लेकिन सवाल उतना ही है कि क्या इस सेंसिटिविटी जो थी, संवेदनशीलता थी, उस पर किसकी जवाबदेही तय की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ अनुज हनुमत, हिंदी खबर, चित्रकूट।